नमस्कार दोस्तों, सात्विक रसोई से मैं नीता भार्गव। और आप लोग कैसे हैं? आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं चारी मसाला भिंडी, जिसके लिए 300 ग्राम भिंडी ली है, जिसको कि आपको पता ही है पहले से धो लिया जाता है, काटने से पहले ही वो हम धो चुके हैं। अब हम इसको काटेंगे, तो काटने से पहले ऊपर और नीचे के एजेस को काटना होता है, और इसको काट कर बीच में से चीरा लगाएंगे। इसके लिए कि कीड़ा भी देख लें, गोल गोल में तो दिख जाता है, इसमें हमें चेक करना होता है और मसाला भी पड़ना होता है। इसी प्रकार से सारी भिंडी हम काट के तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने पचफोड़न लिया है, जीरा, राई, दाना मेथी, साबुत धनिया और मोटी सौंफ, एक एक चम्मच छोटी चम्मच लिया है। और इसके लिए हम इसको रोस्ट करेंगे और फिर ग्राइंड करेंगे। और हींग ली है तड़के के लिए, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर, और हरी मिर्च ली है, और ये 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। और हम हींग से तड़का लगाएंगे। मध्यम आंच पे ये कढ़ाई को गरम कर लिया है, और इसमें ये रोस्ट करेंगे पचफोड़न को, जो कि एक एक छोटी चम्मच लिया है मसाला पड़ने के लिए। इसी में बाद में हम और मसाले मिलाएंगे, नमक, मिर्च वगैरह। ये रोस्ट होकर हमने ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है इसका। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसमें और मसाले मिलाते हैं। अब इस पाउडर में, पचफोड़न पाउडर में, हम सब मसाले मिलाएंगे, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और अमचूर पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद हमें चाहिएगा ये मंगरेला, और हींग का हम तड़का लगाएंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी। बनते समय ये सौंफ फिर से मिलाएंगे, और चीनी चुटकी भर मिलाने से हरी सब्जियों में उसका नेचुरल कलर ऐसा ही बना रहता है, इसलिए ज़रूर मिला देना चाहिए। अब इसके लिए हमने सरसों का तेल गरम कर लिया है, आधी से एक छोटी चम्मच इसमें मिलाएंगे, ताकि उसमें मसाला अच्छे से हमारा मिक्स हो सके। ये हम मिलाते हैं, इसको अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। ये अच्छे तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। अब एक एक भिंडी में इसको भरते चलेंगे, इसी तरह सब भिंडी भरकर हम तैयार कर लेंगे। और मीडियम आंच पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें तेल गरम करते हैं। ये 2 बड़ी चम्मच हमने तेल लिया है, और इसको गरम करेंगे मीडियम आंच पे। हींग डालेंगे, चुटकी भर से भी कम लिया है, देसी हींग है, और इसमें डालेंगे मंगरेला। इसको मिलाकर चटकाएंगे 10 सेकंड, इसको चटकाएंगे। अब हरी मिर्च मिलाएंगे, इसमें हरी मिर्च मैंने इसमें मिलाई है, क्योंकि मैं लाल मिर्च सामने नहीं रहती हूँ, उसका भिंडी का नेचुरल कलर इसको बना रहता है। इसको चीनी चुटकी पर मिलाने से, और दूसरा लाल मिर्च भी मिला देते हैं तो कलर में चेंज जाएगा। अब ये सारी भिंडी मिलाएंगे और इसको अच्छे से सौते करेंगे, और फिर उसके बाद 1-2 सेकंड ढककर पकाएंगे। इसमें अभी हम मिलाएंगे तो उसका नेचुरल कलर, भिंडी आखिर में जब बन जाएगी तब देखिएगा नेचुरल कलर ऐसा का वैसे ही बना रहेगा। कोई भी हरी सब्जी में इसी तरह करना चाहिए। चीनी मिलाइए और साबुत सौंफ भी मिलाएंगे अच्छे से, वो तो मसाले में पीसी थी, इससे इसकी टेक्स्चर बहुत बढ़िया आता है, ये जरूर मिलानी चाहिए। अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर और हम इसे ढककर ढाप में 2-3 मिनट पकाएंगे, और फिर एक बार चलाएंगे, 5 मिनट में हमारी बनकर ये तैयार हो जाएगी। देखिए भाप में पकी है, एक बूंद पानी नहीं डाला है, और ये पककर हमारी तैयार हो गई है। और सारे मसाले इसमें मिला ही चुके हैं, ये हमारी बनके तैयार, ये हमारी अचारी मसाला भिंडी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस ऑफ कर दी है और बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं। भाई प्राकृतिक रंग में हमारी अचारी मसाला भिंडी बनकर तैयार है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर दें, लाइक करें, और आप यदि इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा इसी तरह सहयोग देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।